इंट्रोड्यूसिंग Vivo Z5। दोस्तों चाइना में लॉन्च हो चुका है Vivo Z5 और अब ये फ़ोन बहुत जल्द इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। दोस्तों ये फ़ोन एक बजट कैटेगरी का फ़ोन होने वाला है और इसमें आपको काफ़ी बढ़िया फीचर्स प्राइस के हिसाब से देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको इसमें मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर, साथ में आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा और आपको कम प्राइस में सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसमें देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे Vivo Z5 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको वही पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को मिलेगा विद ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश और आपको मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा और फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको मिलेगी वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले और आपको मिलेगा इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसमें आपको मिलेगी 6.38 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले होने वाली है, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1080x2340 पिक्सल, एस्पेक्ट रेशियो आपको मिलेगा 19.5:9 का और पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 404 पिक्सल पर इंच की। तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी, कम प्राइस में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले फ़ोन में मिलने वाली है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। तो इस फ़ोन के रियर कैमरा की परफॉर्मेंस आपको Vivo Z1 Pro से काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा के बारे में। तो फ्रंट में आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा। तो फ़ोन के कैमरा की परफॉर्मेंस आपको प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर जो कि आपको Vivo Z1 Pro में भी देखने को मिला था। तो इस फ़ोन में आप PUBG जैसा गेम आराम से चला पाएंगे और साथ में आपको मिलेगा एड्रेनो 616 का GPU जो कि आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी लैग, हीटिंग इशू और हैंगिंग प्रॉब्लम ज़्यादा फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इसमें आपको मिलेगा एंड्रॉयड 9.0 पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम, कस्टम UI आपको मिलेगा फनटच OS। अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी की। तो इसमें आपको मिलेगी 4500 mAh की बैटरी जो कि 22.5 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सी टाइप का सपोर्ट आपको फ़ोन में मिलेगा, 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको फ़ोन में मिलेगा और डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी आपको फ़ोन में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फ़ोन के रैम वेरियंट और इसकी प्राइस के बारे में। तो फ़ोन में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला वेरिएंट आपको मिलेगा 6GB 64GB, दूसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 6GB 128GB। तो यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट की प्राइस यानी कि 6GB 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस 14,999 देखने को मिलेगी। तो 15,000 की प्राइस में आपको स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर मिलेगा और आपको मिलेगी सुपर एमोलेड डिस्प्ले और आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो फ़ोन में आपको कम प्राइस में काफ़ी बढ़िया फीचर्स मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो ये फ़ोन इंडिया में लगभग लॉन्च हो सकता है सितंबर के लास्ट वीक तक। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।